अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का फॉर्म हम कैसे फिल करें, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, दो तरीके के यूजर्स होंगे। एक तो पहले जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे एसएससी के साथ, और दूसरे जो कि यहाँ पे न्यू यूजर होंगे। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एंटर करना है और सीजीएल का फॉर्म डायरेक्ट फिल करना है। लेकिन यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं, अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप कैसे अपने आप को पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपना सीजीएल का फॉर्म फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा न्यू यूजर के ऊपर, देन आपके सामने ऐसी विंडो खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको अपने आपको रजिस्टर करना है। तो लाइन बाय लाइन देखते हैं कि क्या क्या इसको कैसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि डू यू हैव आधार, आपके पास आधार कार्ड है? अगर है तो यस करेंगे, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, उसे वेरीफाई कराएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपकी जो दूसरी टाइप की आईडी है, जो भी आपकी आईडी लगाएंगे आप उसको करेंगे यहाँ पे, और अपनी आईडी जो है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। जैसे आपने वोटर आईडी चूज की है या पैन कार्ड जो भी चूज किया है, तो अगर यहाँ पे वोटर आईडी चूज किया, वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आईडी नंबर डालेंगे अपना। नेक्स्ट क्या करना है, आपको अपना नेम फिल करना है, जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अपना जो नेम है वो यहाँ पे वेरीफाई करा लेंगे। गाइस यहाँ पे जो आपका नेम होगा वो आपके 10th में जो सर्टिफिकेट में लिखा होगा वही सेम होना चाहिए। सेम ही आपका जो आईडी कार्ड आपने लगाया है उसमें भी वो नेम सेम होना चाहिए। अगर आपने अपना नेम चेंज किया है तो यहाँ पे यस करेंगे और अपना न्यू नेम लिखेंगे, अगर नहीं चेंज किया है तो नो लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपना फादर्स नेम फिल करेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे आपको क्या करना है, आगे आपको अपना फादर्स नेम जो भी आपने लिखा है उसको यहाँ लिख के वेरीफाई कराना है। फिर आपको अपना मदर्स नेम लिखना है, और जो भी आपका, फिर यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम आपको वेरीफाई कराना है। जो भी आपका मदर्स नेम है वो भी आपका यहाँ पे, जो भी आपके 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो लिखा है वो ही होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ रखनी है। डेट ऑफ जो बर्थ होगी, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो पहले डेट फिर मंथ उसके बाद ईयर इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, इस वाली बात का आप ध्यान रखिएगा। और वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी मेंशन है। उसके बाद आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई कराएंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने 10th का जो आपका बोर्ड है वो कौन सा है, एजुकेशन बोर्ड कौन सा है आपका 10th क्लास का। अगर आपने ICSE है, CBSE है, यूपी बोर्ड है या कोई अदर बोर्ड है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर CBSE है तो CBSE फिल करेंगे, उसके बाद वेरीफाई कराएंगे आप अपने एजुकेशन बोर्ड को। नेक्स्ट करेंगे, आप अपना रोल नंबर डालेंगे 10th क्लास का, वही रोल नंबर डालना है जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है। उसके बाद उसे वेरीफाई कराना है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, आपने 10th कौन से ईयर से पास की है। सपोज दैट आपने 2013 से किया है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे, उसके बाद वेरीफाई कराएंगे। यहाँ पे 2013 लिखा है, 2013 लिख के उसको वेरीफाई कराएंगे। फिर आप अपना यहाँ पे जेंडर लिखेंगे, जो भी आपका जेंडर है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आप, वो यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद उसको वेरीफाई कराएंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी फिल करनी है। ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन फिल करेंगे, जो भी है यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है वही फिल करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये है ध्यान देने वाली बात कि आप वही मोबाइल नंबर फिल करेंगे, वही मोबाइल नंबर आपको फिल करना है जो आपका इन यूज है और आगे भी आप उसे यूज करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि SSC आपसे इसी नंबर के द्वारा कांटेक्ट में रहेगा। आपको जो भी डिटेल्स होंगी आगे वो इसी नंबर पे सेंड की जाएंगी, इसलिए ये वाली बात ध्यान देने वाली है। यहाँ पे फिर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, वही ईमेल आईडी आपको फिल करनी है जो आप यूज में रखे हुए हैं, आगे भी उसको यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उसको वेरीफाई कराना है। नेक्स्ट आपको अपना यहाँ पे यूटीआर परमानेंट जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको लिखना है, जो भी स्टेट है या फिर जो भी आपकी यूटी में है या फिर वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। सपोज दैट दिल्ली है तो दिल्ली आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशनल आपको जो भी डिटेल्स है उसको आपको वो फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, जनरल है तो सपोज दैट जनरल है तो जनरल चूज किया, उसके बाद उसको वेरीफाई करा लिया। नेक्स्ट आपको अपनी नेशनैलिटी जो भी है वो यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, सिटीजन ऑफ इंडिया है तो सिटीजन ऑफ इंडिया आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे बताना पड़ेगा जो कि क्लियरली विजिबल हो। सपोज दैट यहाँ पे लिखा है मोल ऑन राइट चीक, यानी कि सीधे गाल पे आपके तिल है, तो ये इन्होंने आइडेंटिफिकेशन मार्क एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए, जो भी हो जो कि क्लियरली विजिबल हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी है कोई तो उसको फिल करना है, उसके बाद ये सारी फॉर्म आपको फिल करना होगा। अगर यस है, नहीं तो यहाँ पे नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे, आप फिर उसको स्किप कर देंगे बाकी जो डिटेल्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है आपको वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। फिर अपनी स्टेट या यूटी जो भी है वो फिल करेंगे। सपोज
पंजाब है तो पंजाब फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका पटियाली है तो पटियाली, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पिन कोड है सिटी का वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल किया है वही आपका प्रेजेंट एड्रेस भी है, अगर है तो यस करेंगे तो ये जो है ऑलरेडी फिल हो जाएगा यहाँ पे, अगर नहीं तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपना परमानेंट एड्रेस किया था वैसे ही। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या करेंगे, आई एग्री करेंगे, डिक्लेरेशन मांगा गया है एग्री करेंगे, अब सब डिटेल्स आपने सही भरी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको प्रिंटआउट चाहिए तो आप प्रिंटआउट ले सकते हैं इसका, नहीं तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, फाइनली आप सबमिट हो जाएंगे। अब आपके पास क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे फ्रंट पेज पे बताया था, यहाँ पे आपके पास यूजर नेम जो है वो आ जाएगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा, वो यहाँ डालेंगे, फिर पासवर्ड जो भी SSC देगा हुआ वो डालेंगे, वन टाइम पासवर्ड होता है, फिर आप अपने यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाएंगे वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एंटर करेंगे जो सिक्योरिटी कोड है वो डाल के एंटर करके लॉग इन करेंगे। नेक्स्ट आप करेंगे यहाँ पे CGL का, आप यहाँ पे CGL के उस पे जाएंगे, वहां पे आएगा अप्लाई, तो आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी विंडो खुल के आ जाएगी कि यहाँ पे CGL के फॉर्म फिल करने की। अब आपको ये फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे जो भी आपने अभी डिटेल्स फिल की थी वो ऑलरेडी फिल होगी यहाँ पे आएंगी, अब आपको उनके साथ कुछ भी नहीं करना है, आपको वो डिटेल्स ऑलरेडी फिल हुई हुई आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अब आपकी जैसे 10th की भी थी तो ऑलरेडी ये फिल हुई आई थी, अब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस फिल करनी होगी एग्जाम सेंटर की। जिस भी रीजन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, सपोज दैट आपने CR रीजन से फॉर्म फिल किया है और आपके घर के पास जो सेंटर है वो सबसे नजदीक आगरा है, देन उसके बाद गोरखपुर है, देन मेरठ है, या जहाँ आप जा सकते हैं इजीली, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रेफरेंस सेट करनी है। सपोज दैट आपने आगरा किया फर्स्ट प्रेफरेंस, नेक्स्ट आपने गोरखपुर किया, थर्ड आपने मेरठ किया, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने घर के पास जो भी सेंटर है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस कह रही हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस आपको यहाँ पे अपनी सेट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस, नहीं तो नो कर देना है और आगे आपको बढ़ जाना है, फिर आपको ये कुछ भी फिल नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, अगर आप जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस करेंगे, लेकिन ध्यान इस बात का दें आपके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप जा करके उसको नोटिस है उससे चेक कर सकते हैं, अगर आप पजेस करते हैं वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे यस फिल करेंगे। नेक्स्ट सेम यहाँ पे यही पूछा गया है कि स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए क्या आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यस करेंगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो वहाँ पे इसेंशियल है, मांगी गई है, अगर है तो यस कर देंगे। फिर यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, हाँ तो यस, नहीं तो नो, मतलब आपके एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो, नो कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फिल करनी पड़ेगी, जो भी है यहाँ पे ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन फिल करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी होगी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर डिटेल्स फिल कर देंगे। नेक्स्ट पासिंग ईयर फिल करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी UT स्टेट बोर्ड जो भी है वो फिल यहाँ पे कर देंगे, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड करेंगे, रोल नंबर करेंगे, आपके जो परसेंटेज मार्क्स है या CGPA है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। आगे देख लेते हैं गाइस आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे पूरा, जो भी आपका ऑलरेडी वो फिल हुआ हुआ आएगा, आपको अगर चेंज करना होगा तो आप चेंज कर सकते हैं, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रखा था और उनको अपने फॉर्म के अंदर कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, उससे रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड में भी मैं बता दूंगी फोटोग्राफ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर पे ध्यान दीजिएगा, व्हाइट पेपर पे रनिंग हैंड से करना है, ब्लॉक लेटर्स में नहीं करना है, वही सिग्नेचर करना है, क्योंकि आप जब CVD मतलब जो आप Tier 1 देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके कराया जाएगा और भी जो स्टेजेस होंगी उसमें आपसे यहाँ पे सिग्नेचर कराया जाएगा, तो इस वाली बात पर ध्यान दें, रनिंग हैंड पर होनी चाहिए और बॉल पेन से ही करना है, इंक पेन से ही करना है, व्हाइट पेपर के ऊपर उसको यहाँ पे स्कैन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, ये यस इसलिए है कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी तो नहीं है, अगर नहीं है ना तो यहाँ पे यस करना है, यस करेंगे तभी आपका फॉर्म यहाँ पे होगा। आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, आई एग्री, देन यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है उसको फिल करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू पे जाएंगे और वहाँ पे आएगा फाइनल सबमिट, देन आप फाइनल सबमिट कर देंगे, आपको एक मैसेज फ्लैश करेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि फाइनल सबमिट करना है, तो हाँ आपको फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद अगर आप मेल हैं जनरल कैटेगरी के या OBC कैटेगरी के तो आपको 100 रुपीज फीस पेमेंट करनी होगी, वो आप कर दीजिएगा, 100 रुपीज फीस पेमेंट करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा फाइनल सबमिट हो जाएगा, और अगर आप वुमेन हैं या SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई भी फीस यहाँ पे फिर फीस पेमेंट नहीं करनी होगी।
तो होप सो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे क्या है। अब बात कर लेते हैं फोटोग्राफ की। तो जो फोटोग्राफ है वो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ कैसी है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ कैसी है, आप इसको देख लीजिए। आपकी जो फोटोग्राफ है वो एक्स्ट्रा कलर नहीं होनी चाहिए, टू क्लोज नहीं होनी चाहिए, विद हैट एंड कैप नहीं होनी चाहिए, ऐसी ब्लर फोटोग्राफ भी नहीं होनी चाहिए, साथ में ही इन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए, ज्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, विद गॉगल्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप पहनते हैं तो उतार के रख दीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए और उसके बाद फिर से पहन लीजिएगा। ज्यादा स्मॉल नहीं होनी चाहिए, स्कैन कराई तो ज्यादा स्मॉल हो गई, ये भी नहीं होनी चाहिए, साइड फेसिंग नहीं होनी चाहिए। अब रही बात डेट मेंशन करनी है या नहीं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी डेट मेंशन नहीं किया है एसएससी ने इस फोटोग्राफ के ऊपर। अगर कुछ ऐसा होता तो यहाँ पे क्लियरली लिखा होता, इसलिए यहाँ पे आपको डेट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करनी है। होप सो गाइस आप समझ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अब दोस्तों बात करें कि आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कहाँ से बेस्ट तरीके से कर सकते हैं अपनी, तो आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट बिल्कुल अनअकैडमी प्लस के साथ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलते हैं काफी सारे टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस, जो कि यहाँ पे काफी सारे बैचेस तो 29 दिसंबर से ही स्टार्ट होने वाले हैं। आप इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड TMYT। गाइस TMYT कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही गाइस यहाँ पे एवरी संडे बाय टीम प्रतियोगिता मंत्र अग्नि परीक्षा ली जाती है आप लोगों की, जो कि यहाँ पे होती है एसएससी सीजीएल और CHSL टीयर 1 की। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड TMYT। गाइस ये 100% फ्री होती है, और यही नहीं गाइस आपको यहाँ काफी सारी और भी टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, आप इनको भी दे सकते हैं बाय यूजिंग कोड TMYT। दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं TMYT। सिर्फ यही नहीं गाइस, TMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अनअकैडमी ऐप पे उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC, NET, IIT, JEE, NEET। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं TMYT। गाइस TMYT कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।